स्वागत करते हैं सारे का अपने चैनल पी बी सैवन मॉडिफायर से। अज का वीडियो होने वाला एक फोर्ड 3600 से जिसनों असी रीसेंटली रिस्टोर करके डिलीवर किया। ट्रैक्टर साढ़े को गुरदासपुर तो आया सी एंड इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब सी। आप स्टार्ट करते हैं जी इसकी पुरानी हालत तो। अज तक दी सारी रेस्टोरेशन तो सब तो खराब हालत में यह ट्रैक्टर साढ़े को पहुँचा सी। ये रिम्स तुम देख सकते हैं जी, जिहड़ा इन्नी खराब हालत सी कि जिहड़े सेंटर डिश नूं रिम्स दे नाल वेल्ड कर दिता गया सी। नॉर्मली इत्थे एडजस्टमेंट दी प्रोविजन हुंदे ने, तुसीं खोल के ट्रैक जिहड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, वध घट अंदर बाहर कर सकते हैं टायर्स नूं। इहदे च ओह चीज़ां फिक्स करतीआं गईआं सी, देसी कंपनी दे कोई टायर पए हुए सी, लोकल मेड रिम्स बिल्कुल विंगे टेढ़े, फेंडर्स की हालत बेहद ज़्यादा खराब, दीज वर बियॉन्ड रिपेयर। सो असी ये रिप्लेस किए, ये नवे फेंडर्स लगे ने इस ट्रैक्टर च। जिथे टॉप लिंक लगती होंगी उन्होंने रॉकर असैम्बली कहें, एंड उत्थे भी वेल्डिंग्स करके टेंपरेरी जिहा कोई जुगाड़ किया होया सी। जिहड़े जैक्स सीगे इहदे एडजस्टमेंट वाले, लेवलिंग बॉक्सिस एंड लोअर लिंक्स बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन रिप्लेस हुई ने। भी तुसी देख सकते हो ट्रैक्टर की कितनी ज़्यादा खराब हालत सी। ईवन जिहड़ा एक्सलरेटर रॉड हुंदा उहदी जगह एक बेयरिंग रख के उन्हूं बनाया होया सी। जिहड़े फुट पैडल्स ने यह भी रिप्लेस होए ने जी, इन्हां च भी दोनों पैडल्स नूं इकट्ठा करन दी जगह जिहड़ा उत्थे भी कोई पत्ती ला के जुगाड़ करता होया सी। टायर रॉड्स एंड जिहड़ियां इह स्पिंडल दी आर्म्स हुंदियां इन्हां ते भी वेल्डिंग्स करके इन्हां नूं एक्सटेंड किया होया सी। मैनूं उहदा पर्पस नहीं समझ लग्गिया क्यों किया होया सी। तीन वर्क जिहड़ा एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सी सानूं इस ट्रैक्टर नूं रिस्टोर करना। तुसीं देख सकते हो टेन वर्क की कितनी ज़्यादा खराब हालत है। इहदे नवें फुटरैसट लगे ने जी, बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं लगाया सी, यूज्ड फुटरैसट इहदे च लगाते सी, चंगी कंडीशन दे सानूं मिल गए सी। एंड इस ट्रैक्टर दे मॉडल च इह अर्ली 80s दा मॉडल सी, इहदे च टैकोमीटर भी नहीं आउंदा सी, RPM मीटर भी उहदा प्रोविजन हुंदा सी बट उह इहदे च लग्गिया नहीं होया सी। सो असीं इहदे च टैकोमीटर भी इंस्टॉल किया। सो सब तो पहला जिहड़ा प्रोसैस हुंदा साडा पेंट रिमूवल, उहदे लई असीं सैंड ब्लास्टिंग यूज़ करते हैं। एंड तुसीं देख सकते हैं कि सैंड ब्लास्टिंग तो बाद कितना ज़्यादा नीट जिहड़ा बेयर मैटल इहदा हो गया ट्रैक्टर दा, बिल्कुल सफाई हो गई जी, सारा पेंट रिमूव हो गया। एंड उस तो बाद साडा हुंदा जी प्राइमिंग, असीं फस्ट क्वालिटी प्राइमर ही यूज़ करते हैं जी। प्राइम करन तो बाद असीं इहनूं पेंट किया जी, ये जिहड़ा पेंट दा तुसीं फाइनल जिहड़ा कोटिंग अप्लाई होने तो बाद देख रहे हैं। दैन कम्स असैम्बली, ड्यूरिंग असैम्बली तुसीं आ देख सकते जी, स्टैप बाय स्टैप ट्रैक्टर असैम्बल होना शुरू हो गया सी। असी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रिस्टोरेशन करते हैं, इस करके ड्यूरिंग असैम्बली असी तुसी देख सकते होंगे कि थोनू डिटेलिंग जी दिखन लग गई। उस तो बाद जी यदि असैम्बली तो बाद जो फाइनल हों कंपाउंडिंग एंड फाइनल फिनिश जी ये ही आँदी है। तो दिस इज़ द फाइनल ट्रैक्टर जो रेडी हो गया सी एंड जिस दिन असी डिलीवर किया उस दिन की यह जी वीडियो है जी। सो दिस वॉज एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रैक्टर पछाड़ना औखा सी कि उही ट्रैक्टर है जिहड़ा साढ़े कोल इन्नी ज़्यादा खराब हालत आया सी। बहुत ज़्यादा सोहना रिस्टोरेशन होया इस ट्रैक्टर का। इस ट्रैक्टर के चारों टायर्स नवे लगे जी, पिछले रिम्स चेंज होए, मड गार्ड्स नवे, लोअर लिंक्स नवी, लेवलिंग बॉक्सिस नवे, हुक नवी, लाइट्स नवी, बहुत सारिया चीज़ा नवी लगियां। बट द एंड रिजल्ट वॉज अमेजिंग, बहुत सोहना और बहुत नीट फिनिश आ गई इस ट्रैक्टर से, साड़ी एक्सपैक्टेशन तो भी अगे चला गया। साढ़े जिन्हें भी ट्रैक्टर्स तुम देखोगे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड देखोगे जी, जिन्हें भी नोजल पाइप्स एंड ऑल डीजल फ्यूल लाइनस ये सब चीज़ा असी गैल्वनाइज करके हाईलाइट करके लगाने हमेशा। ईवन फ्रंट एक्सल दे नट्स एंड जिहड़े आ रिम्स दे नट बोल्ट्स सब कुछ ये भी नवे लगे ने। हैडलाइट्स असी इनू पुराने टाइप दियां ही रखियां जिदा पहला आनियां हुंदियां सी पतली वाली हैडलाइट्स। फ्रंट ग्रिल ओरिजिनल फोर्ड दी, ब्रांड न्यू ग्रिल लगी है जी, नवा ऑल्टरनेटर, नवा डिपस्टिक, नवी टैको ड्राइव, पेंट दी फिनिश तुसी देख सकते हो बहुत ज़्यादा वधिया हो गई सी, बहुत ज़्यादा सुपर स्मूथ फिनिश जिहड़ी असी अचीव कर पाए सी। एनालॉग मीटर्स जिहड़े ब्लू कलर दे आर रेयर फाइंड्स दीज डेज, थोड़े मुश्किल होंदे ने सानू लभने बट चलो वी वर एबल टू सोर्स। इहदे च इंडिकेटर असैम्बली एंड हैडलाइट्स का जिहड़ा कॉम्बीनेशन स्विच असी यूज़ किया ओनर्स की डिमांड के हिसाब नाल।
टॉप मॉडल की जी फार्म ट्रैक की ओरिजिनल सीट लगी है जी ये ये असी लभ के मड गार्ड्स उत्ते हैंडल्स भी लगाए ने एंड नाउ कमिंग टू द रिम्स एक्सट्रीमली डिटेल्ड रिम्स अपोलो फार्म किंग 13-6-28 के पिछले टायर्स एंड 616 प्लेन रिप MRF फ्रंट टायर्स बैक एंड ते जाइए तो ये स्पेशल एक हुक लग्या जी वो मालपुर बनता जी साढ़े हुशियारपुर तो अराउंड 20 किलोमीटर है जी उत्थे हुक लगता जी ओरिजिनल मोनोग्राम्स अगेन ऑल द डिटेल्स ऑन द ट्रैक्टर्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ सारिया चीज़ा हाईलाइट करके असी लगाइया ने साड़ी रेस्टोरेशन से थोनू हमेशा ब्लू फ्लो लैंप मिलेगा असी अपने ट्रैक्टर्स नू ब्लू कलर का फ्लो लैंप लाने मतलब सोहना लगता सानू पर्सनली सोहना लगता एंड कस्टमर्स नू भी ये चीज़ पसंद आती है। इस रेस्टोरेशन का असी डे लाइट च वीडियो नहीं बना सके क्योंकि असी जिस दिन ट्रैक्टर डिलीवर होना से उस दिन असी बहुत ज़्यादा लेट हो गए सी सो सानू कमेंट करके जरूर दस्यो कि थोनू ये रेस्टोरेशन किहो जी लगी। मेरा नाम है दोस्तों गुरजीत सिंह ढिल्लों एंड तुसी देख रहे हो साडा चैनल PB7 मॉडिफायर्स। तुसी सानू फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब ते फेसबुक ते भी तीनों जगह साडा PB7 मॉडिफायर्स दे नाम तो चैनल है जी। वीडियो देखने लई बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच कीप एंजॉइंग द वीडियोज एंड कीप सपोर्टिंग अस थैंक यू।